हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड के मेरिट लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सभी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि फीस सबमिट कैसे करना है, देन वो पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और चैनल का ज्वाइन बटन आ चुका है। अगर आप चाहोगे तो हमसे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी हम लोग बीएड के मेरिट लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के तरफ से जारी किया गया है 7 सितंबर को, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फाइन, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इनिशियल डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग एंड फाइनलाइजेशन फॉर बीएड एडमिशन। फाइन मीन्स ये आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, मीन्स इसमें चेंजिंग भी किया जाएगा, बाद में फिर से अपलोड किया जाएगा आफ्टर आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कर लेने के बाद, राइट। तो एक एक करके देखिए मेरिट लिस्ट निकाला गया है। तो दिल्ली रीजनल सेंटर 1 ओनली यहाँ पर मेंशन किया गया है, मीन्स ये मेरिट लिस्ट ओनली रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया गया है। फाइन, और स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे बताया गया है, और मार्क्स यहाँ पे बताया गया है, इनरोलमेंट नंबर, नेम और कैटेगरी। फाइन, तो कैटेगरी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिक्सअप किया गया है, इसलिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस मेरिट लिस्ट को ध्यान से और कंप्लीट देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर, राइट। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे आप तो यहाँ पे 87 है, और 87 से नीचे मार्क्स वाले भी सभी स्टूडेंट्स इस मेरिट लिस्ट में है। और सभी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस मेरिट लिस्ट के बाद क्या प्रोसेस होगा वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 87 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स है, 86 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, 85 मार्क्स वाले, 84 मार्क्स वाले, नीचे आएंगे तो 80 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स है, 79 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है, 78 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स शामिल है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर 78 मार्क्स वाले ही स्टूडेंट्स है, राइट। और इधर से आप अपना कैटेगरी देख लेंगे कि आपका कौन सा कैटेगरी है, ओके। और नीचे आएंगे तो देखेंगे 77 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है, और नीचे आएंगे तो लंबा सा लिस्ट है आपका, जिसमें 77 मार्क्स ही है स्टूडेंट्स का, और यहाँ से 76 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का नाम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि नाम यहाँ पर दिया गया है, इनरोलमेंट नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है। फाइन, और नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो 76 मार्क्स वाले ही स्टूडेंट्स है, और नीचे आएंगे तो देखेंगे 75 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतने मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स भी इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, देखेंगे तो इससे लोएस्ट मार्क्स वाले भी स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जो कि 75 मार्क्स है, और यहाँ से आपका 74 मार्क्स स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और भी नीचे आएंगे देन इससे भी लोएस्ट मार्क्स के स्टूडेंट्स कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जो कि इनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें 73 मार्क्स, 74 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स शामिल है। और नीचे आएंगे तो 73 वाले का लिस्ट है यहाँ पे, और यहाँ से 72 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का नाम स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, ओके। और नीचे आएंगे तो 72 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का ही चल रहा है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक 65 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर दिया गया है, और कैटेगरी V2। फाइन, और यहाँ से 71 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का नाम स्टार्ट हो जाता है, जिनका कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट अपने कैटेगरी को देखते हुए अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख लेंगे, राइट। और नीचे आएंगे तो 71 मार्क्स वाले यहाँ रहे ये 4 स्टूडेंट्स, और यहाँ से 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का नाम स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से 69 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और नीचे आएंगे तो 68 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स कंफर्म मेरिट लिस्ट में है। एक लंबा सा पीडीएफ जारी किया गया है, जिसमें 68 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट शामिल है, और 67 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट शामिल है, और नीचे आएंगे तो 66 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है, और नीचे आएंगे तो 64 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स शामिल है, और नीचे आएंगे तो 63 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है। उससे भी लोएस्ट मार्क्स गया है 62 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स कंफर्म मेरिट लिस्ट में है। इसी तरीके से देखते जाए तो 60 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जो कि आप क्लियरली यहां से देख पा रहे होंगे, लंबा सा लिस्ट है, राइट। एक स्टूडेंट है जिनका 71 मार्क्स है, और नीचे आएंगे तो 70 मार्क्स वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कैटेगरी इधर दिया गया है। फाइन, और 63 मार्क्स वाले, 53 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस मेरिट लिस्ट में है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जिनका कैटेगरी है D4B, राइट। और 50 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स का नाम है, 45 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स का इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है। इस तरीके से नीचे आएंगे तो फिर B2 कैटेगरी
कैटेगरी के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 71 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कन्फर्म मेरिट लिस्ट में है, 70 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट कन्फर्म मेरिट लिस्ट में है, और नीचे आएंगे तो 70 मार्क्स ही चल रहा है और 69 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस कन्फर्म मेरिट लिस्ट में है, जो कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं, और 68 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो 67 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का लिस्ट यहाँ से रहा, और फिर 66 मार्क्स वाले स्टूडेंट का नाम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे C3 कैटेगरी स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो सभी स्टूडेंट जो दिल्ली रेजिडेंस सेंटर 1 के है, देन इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक करेंगे। इसमें दिया गया है सभी स्टूडेंट्स का नाम, जो कि PDF है आपका 15 पेज का, ये आपका लास्ट पेज है, राइट। तो इस तरीके से आपको इस लिस्ट में अपना नाम देख लेना है, और आपका ऑफर लेटर भी रिलीज किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और फिर नेक्स्ट क्या क्या प्रोसेस होगा, राइट। तो ऑफर लेटर चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका ऑफर लेटर, राइट। और ऑफर लेटर में आपको बताया गया है, इफ योर नेम इज लिस्टेड अंडर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इनिशियल डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग एंड फाइनलाइजेशन फॉर बीएड एडमिशन 2021, राइट। मींस आपका नाम प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सब सही निकलेगा तभी तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया है, ये तो मेरिट लिस्ट है ही, बट ये इसमें आपको देखा जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताया गया है। और नेक्स्ट, यू हैव टू इमीडिएटली गेट रेडी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड द प्रोग्राम फी RS 55,000 एज यू विल हैव टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फी विद इन शॉर्ट नोटिस। मींस इसके आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है, आपको कभी भी मैसेज जा सकता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और या फिर आप अपना फी अपलोड कीजिए। तो ब्रैकेट में यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट या फिर पेमेंट करने के लिए आपको ईमेल जाएगा कि किस लिंक के थ्रू कैसे आपको अपलोड करना है या फिर कैसे आपको पेमेंट करना है, फाइन, ये आपको यहाँ पे बताया गया, और ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कैसे किस लिंक के थ्रू आपको करना है, राइट। और आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बातें बताया गया है कि पेमेंट ऑफ फीस विल बी शेयर्ड सेपरेटली टू द कैंडिडेट्स हु फाउंड एलिजिबल आफ्टर डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग एंड एज पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड लेटर ऑन, राइट। मींस आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, सब आपका सही निकलेगा, देन उस वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है, राइट। ये इसलिए क्लियरली आपको बता दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट में आपका अभी नाम है, फाइन, और आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, देन आपका एडमिशन तो नहीं मिलेगा, इसलिए ये मैसेज आपको दे दिया गया है, राइट। और नीचे आएंगे तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको बताया गया है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना, फाइन। और ऐसे पॉइंट वाइज आपको बताया गया है कि आपका ओरिजिनल बीएड का एंट्रेंस जो टेस्ट हुआ था उसका एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट और कॉपी ऑफ डाउनलोड रिजल्ट, मींस आपके रिजल्ट का कॉपी लगाना होगा, फाइन। और सेकंड नंबर में हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको लगाना है, सर्टिफिकेट स्कैन फ्रॉम ओरिजिनल, ये सब आपको लगाना है। और वही आपको बताया गया है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू फेस टू फेस मोड, फाइन। तो ये सब लगाना है, जो कि पूरे जो जो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है सब यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। ऐसे इसके ऊपर वीडियो बन रखा है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको बताया गया है कि दिस ऑफर ऑफ एडमिशन इज प्रोविजनल बेस्ड ऑन इंटरनल शॉर्ट लिस्टिंग। मींस ये फिक्स नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ये प्रोविजनल है, मींस जो स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो प्रोविजनल है, ये कंफर्म तब होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और सब सही निकलेगा तो, ओके। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किया गया है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन या फिर क्लैरिफिकेशन यू मे राइट टू अस विद योर कंप्लीट डिटेल एंड एड, और ईमेल आपको दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरीके की इशू आती है, आपको नहीं पता चलता नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, या फिर आपका 2-3 दिन हो गया आपको ईमेल नहीं आ रहा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, देन आप इस ईमेल पे अपना क्यूरीज डाल सकते हैं। बस आपको अपना पूरा डिटेल देना होगा कि आपका कैटेगरी क्या है, नाम क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, टोटल डिटेल आपको डालना होगा, तब आप ईमेल कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, फाइन। तो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट, इस कन्फर्म मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिए, आपका नाम है या फिर नहीं है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि ये रहा आपका ऑफर लेटर, फाइन। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।